चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। तो अभी तक जो चैप्टर 9 में पढ़ा था हम लोगों ने, वो पढ़ा था रे ऑप्टिक्स। और उसके बाद रे ऑप्टिक्स का मेजरली जो शुरुआत में बात बोली गई थी वो न्यूटन ने बोली थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था और ये दिखाया था कि तीन कार्डबोर्ड हैं, उसमें छेद कर दिए थे, एक तरफ से लाइट डाली और बीच के कार्डबोर्ड को थोड़ा शिफ्ट कर दिया और देखा कि लाइट नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा था लाइट्स हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। रे ऑप्टिक्स का मतलब ही यही था कि जैसे कि गोली जैसे चलना, एरो जैसे चलना, सीधा आपने किसी चीज़ को डाला और सीधी जाके हिट कर जाएगी वो। तो रे ऑप्टिक्स उस तरह का बिहेवियर था, सीधे चलने वाला, एकदम जैसे छोड़ेंगे वैसे सीधे चला जाएगा, जैसे एक एरो चलता है, जैसे एक बुलेट चलती है। हैजन साहब जो थे, हैजन साहब ने नई उसमें थ्योरी प्रपोज की और उन्होंने कहा कि ये जो ऐसी कुछ इवेंट्स हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम रे ऑप्टिक्स की मदद से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि अगर रे ऑप्टिक्स से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उन्होंने दिखाया कि एक बल्ब से रोशनी की, देखा लाइट यहाँ पे आ रही, चमक आ रही है, इसको बंद कर दिया, दूसरी बल्ब को जलाया फिर रोशनी हो गई, दोनों को एक साथ जलाया तो देखा यहाँ अंधेरा हो गया। ये चीज़ हैजन साहब ने बताया कि मैं प्रूफ करके देता हूँ कि क्यों हो गया ऐसा। और उसमें उन्होंने सहारा लिया वेव नेचर का, क्योंकि वेव नेचर में अभी आप देखेंगे पीक एंड टर्फ होते हैं, जो पहले हमने पढ़ा था, एक का पीक पड़ा दूसरे का टर्फ पड़ा तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन रे ऑप्टिक्स में ऐसा नहीं, वो तो सीधे आनी है, जब वो सीधे आ रही है तो आप रे ऑप्टिक्स से इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो अभी सवाल ये उठा कि रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो क्या हम सारी चीज़ें वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन करेंगे? तो इसका भी था कि सारी चीज़ें वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या आप आगे देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह जब दिखेगा तो उसमें रे ऑप्टिक्स मांगना पड़ता है हमें, तो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं चीज़ें, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में जो चीज़ें होती हैं उसको वो गलत साबित कर देता है। तो फिर लाइट है क्या, वेव है कि रे है? तो लाइट दोनों ही है, कभी ये वेव का नेचर शो करती है, कभी ये रे का नेचर शो करती है। हम लोग वेव नेचर की अब बात करेंगे, कुछ फिनोमिना और उससे वेव नेचर में जो दिखती है, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वेव फॉर्म से भी हम लोग शो करने की कोशिश करेंगे कैसा ये इसमें होता है ऐसा, ठीक है। अब वेव में आपने देखा होगा कि वेव क्या होती है, आपने अगर एक तालाब है, नदी है, उसमें से अगर बीच में पत्थर डाल दीजिए आप, तो पत्थर डालते हैं तो क्या होता है, वेव्स बनती हैं उसमें, है ना। जो वेव्स बनती हैं अगर उसका टॉप व्यू देखें ऊपर से, तो ऊपर से जब नज़र आप डालेंगे तो कैसा वेव बनेगा, अगर यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है तो ऐसे ऐसे रिंग्स दिखेंगे आपको, टॉप व्यू की बात कर रहे हैं ऊपर से, ठीक। अगर ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा टॉप व्यू। तो उसमें जब आपने पत्थर फेंका पानी में तो उसने पानी के मॉलिक्यूल्स को दबाया और ड्यू टू इलास्टिसिटी वो मॉलिक्यूल्स वापस अपनी पोजीशन में आना चाहते हैं, इसलिए वो वाइब्रेट करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं। तो जब ऑक्सीलेशन करेंगे तो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स को भी साथ साथ ऑक्सीलेट कराते हैं। तो जब एक साथ ऑक्सीलेट कराएंगे ऊपर जाएंगे, फिर वो नीचे जाएंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, तो इस तरह के फॉर्मेशंस वेव का बन जाएगा। यहाँ वेव अगर ऊपर चल रही है, अगर टॉप व्यू है, आप अगर यहाँ खड़े हुए हैं इसके सामने और एक खड़े हुए आप वाई एक्सिस पर, अगर यहां से आप देखेंगे तो आपको कैसा व्यू नजर आएगा, ऐसा व्यू नजर आएगा, ये वेव ऐसी दिखेंगी साइड से देखने पर, लहरें। ये देखेगा तो क्या देखेगा कि एक लहर आगे चलती चली आ रही है, लहर आई ऐसे ऐसे करके उसकी तरफ बढ़ती जा रही है, इसको लगेगा रे इधर जा रही है वेव। और टॉप व्यू कैसे दिखेगा, रिंग्स बन रहे हैं, भंवर बन के जाती है जा रही किनारे, है कि नहीं। उसी के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हैं, डिफरेंट डिफरेंट देखने के तरीके हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से जो वाइब्रेशंस होते हैं इसमें, यहाँ का जो पानी है अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ नहीं पहुँचता, एनर्जी पहुँचती है। वेव फॉर्म में क्या चीज़ प्रपोगेट होती है, एनर्जी प्रपोगेट होती है, मॉलिक्यूल्स नहीं प्रपोगेट होते, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह ऑक्सीलेट करते हैं। ये जो पानी है वो पानी यही है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ रहा है। तो ए वेव कैन
कैरी एनर्जी, एक वेव एनर्जी कैरी कर सकती है और एनर्जी या डिस्टरबेंस को ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब इसमें दूसरी बात जो देखने की हमारे पास होती है वो ये होती है वेव फ्रंट, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे आज। देखिए जैसा इसका नाम है वेव फ्रंट, वैसे ही इसका मतलब भी है, वेव का फ्रंट। वेव यानी वेव का फ्रंट मतलब चेहरा समझ लीजिए, सामने वाला हिस्सा। तो ये जो बंदा इसको देखता है उसको क्या दिखता है, वेव फ्रंट दिखती है। समुद्र के किनारे अगर ये बंदा खड़ा है और वहां से डिस्टर्बेंस हुआ समुद्र में, लहरें उठी, तो लहरें उठेंगी और आप सामने खड़े होंगे तो क्या दिखेगा, उठती हुई लहर दिखेगी जो आपकी तरफ आ रही है, ऐसे दिखेगी, फिर ऐसे दिखेगी, आपको लगेगा आपकी तरफ आ रही है। और जो हिस्सा आपको दिखेगा उसे ही बोलते हैं वेव फ्रंट, है कि नहीं। अगर लहरें उठी एक साथ, इसका अभी जो फिजिक्स में मीनिंग है वो भी हम बताएंगे अभी आपको, ये एकदम बेसिक मीनिंग की हमने बात की कि वेव फ्रंट को किस तरह हम समझ सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि सारे पार्टिकल्स, सारे मॉलिक्यूल्स या सारे पार्टिकल्स जब एक ही फेज में होते हैं तो उसको मिला देते हैं और वो कहलाता है क्या, वेव फ्रंट। सारे सेम फेज वाले मॉलिक्यूल्स को मिला देने पर, क्योंकि जब ये लहर आएगी, मान लीजिए ऊंची लहर ऐसे उठी, तो ये इस जगह अगर सबको मिला देंगे आप, तो सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सबका फेज सेम। फेज तो याद है ना, फेज क्या होता था, फेज होता था जैसे यहां से यहां तक कितना फेज गया था, 2π, यहां तक गया था पाई, पाई बाई टू, 3π/2। तो ये फेज अलग अलग होता है ना, फेज क्या बताता है हमें कि कैसा वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी लोकेशन बता देता है फेज। तो जब फेज हमारा सबका सेम होगा एंगल, तो हम बोलेंगे कि वो सारी वो मिलके क्या बना रही है, वेव फ्रंट। बात समझ में आ रही है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेव फ्रंट को हम लोग दो लाइन लिख भी लेते हैं, तो इन प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी बाई वेव्स, द वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, तो इसे बोलेंगे हम लोग वेव फ्रंट। अब वेव के अंदर कुछ बातें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वेव के अंदर ये चीज़ जो दिखती थी वो डिस्प्लेसमेंट थी, वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ हो जाएगा, जो लैम्डा नॉर्मली लिखते हैं आप, और यहाँ से यहाँ तक कितनी साइकिल चली, एक साइकिल चली है, वन साइकिल, एक वाइब्रेशन में वेव इतने आगे बढ़ी है। फ्रीक्वेंसी किसे आप बोलते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, और आप एक और चीज देखेंगे वेव में कि इंटेंसिटी आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर प्रोपोर्शनल होती है। ये एक इसी बात से आप आगे देखेंगे कि कहीं पर ये काफी जरूरत पड़ेगी इसकी आपको। तो इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड है ये, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी वेलोसिटी की बात करते हैं, और एक और फॉर्मूला बढ़ते, वी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, वी इक्वल टू न्यू लैम्डा या एन लैम्डा जो भी बोले आप। और एक ओमेगा चीज पढ़ते हैं यहाँ पर, ओमेगा क्या होता था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, 2π/ν। और एक और डेफिनेशन यूज करते हैं, 2π/T। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो वेव के बारे में आप इस्तेमाल करते रहे हैं या करेंगे आगे। अब ये जो वेव बनते हैं, वेव फ्रंट बनते हैं, इनके शेप्स क्या क्या हो सकते हैं। शेप तो बहुत तेरे हो सकते हैं, जो बेसिक शेप्स हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर हमारे पास जो सोर्स है तो एक पॉइंट सोर्स अगर है, ठीक, तो इसमें वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल, इसमें इस तरीके से हर दिशा में वेव फ्रंट जाएगा, हर दिशा में बनेगा ना, जिस दिशा में भी खड़े हो जाएंगे वहां से दिखाई पड़ेगा। तो इसका नेचर होता है स्फेरिकल, ठीक है निरुपमा। तो ये अगर पॉइंट है तो पॉइंट से जो वेव फ्रंट बनेगा वो हर दिशा में बनेगा, चारों तरफ,
किस शेप में बनेगा, स्फेरिकल शेप में। अगर ये देखिए वेव फ्रंट का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा कि वेव फ्रंट जो बनते हैं वो प्रोपोगेशन के हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा, प्रोपोगेशन मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उससे हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर वेव ऐसे चल रही है, इधर जा रही है, तो यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो 90 बनेगा। तो कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, जब वेव फ्रंट समझ में नहीं आएगा ना बनाने का, तो जो रे ऑप्टिक्स होती है उसका रे खींचेंगे, उससे 90 बना बना के समझ लेंगे वेव फ्रंट। क्योंकि वेव फ्रंट का कैसा नेचर है, हमेशा प्रोपोगेशन से 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो कहीं ऐसा समझ में आया कि समझ में नहीं आ रहा वेव फ्रंट कैसा है, तो हम रे डायग्राम बना लेंगे और रे के परपेंडिकुलर बनाकर हम ये जान जाएंगे कि वेव फ्रंट कैसा होगा। समझे आप? अगर दूसरा सोर्स हमारा लाइन है, ये लाइन, तो कैसा वेव फ्रंट आएगा, तो वेव फ्रंट आएगा सिलिंड्रिकल। इस तरीके से ये देखिए लाइन है बीच में और इसका बाकी सिलिंड्रिकल शेप में आगे बढ़ेगा वेव फ्रंट। अगला का लार्ज प्लेन सरफेस है, इस तरह से बनेगा वेव फ्रंट। ये दिख रहा है ना, ये चकोर चकोर था, तो लार्ज प्लेन सरफेस से ऐसा बनेगा। आपको ध्यान क्या रखना है, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये हमेशा ध्यान रखना, हर केस में आप देखेंगे कि जो हम वेव फ्रंट बना रहे हैं वो प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से 90 का एंगल लिए हुए हैं। यहाँ भी आप ये बढ़ रहा है तो प्रोपोगेशन देखिए ऐसे चल रहा है ना, ऐसे, ये देखिए 90 का एंगल यहाँ बन रहा है सब, हर जगह हर तरफ। इसमें भी 90 बन रहा है हमेशा, ऐसे फ्रंट में आ रहा है पूरा पूरा दीवार की तरह, है ना। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि जो वेव फ्रंट होंगे वो हमेशा 90 का एंगल बनाएंगे। वेव फ्रंट होते क्या है निमेश, जैसे लहर आती है नदी से ना, नदी से जब लहर आती है तो एक साथ उठती है लहर, तो वो सारी जो उठाव है वो सारे का बराबर रहता है ना, कई लहर है, जैसे जैसे ये लहर है, एक लहर ऐसे 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 चल रही लहर, तो यहाँ वाले पॉइंटों का जितना होगा गोला टाइप, बहुत दूर तक फैली होगी लहर, इन सब का क्या है, फेस सेम है, इस तरह इनका सेम है, इस तरह इनका सेम है। तो जब आदमी यहाँ से देखेगा तो ये क्या देखेगा, सब एक वेव फ्रंट नज़र आएगा ये, क्योंकि इनके साथ वाली सारी जो जितनी भी वेव्स हैं अंदर बाहर सब सेम फेज में है। इसके पीछे वाला अपना एक अलग वेव फ्रंट है, उसका फेज अलग है। समझ में आ रही है बात ना, लहरें जैसे उठती हैं, उठती ना लहरें। निधि वेव फ्रंट क्या होता है, अभी जो लिखाया था उसके हिसाब से वेव फ्रंट क्या है निधि, क्या है श्रेया,
एक बार पढ़ लो। हाँ क्या है निधि? वेवफ्रंट, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन नहीं है, और भी बोलना पड़ेगा दो एक दो शब्द। हाँ द लोकस का मतलब होता है पाथ। लोकस जानते होंगे ना, लोकस निकाला होगा 9-10 में मैथ्स में। लोकस का मतलब पाथ, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच एज इन द सेम फेज इज नोन एज ए वेव फ्रंट। सरल भाषा में वेव का फ्रंट, सबका फोकस सेम, सबका फेस सेम रहेगा, उनको मिला दीजिए तो लोकस बन जाएगा। जैसे यहां पर ये जो भंवर उठ रही है, इन भंवर में सबका फेस सेम है ना, चारों तरफ सभी तो सेम फेस में हैं। यहां से देखेंगे तो भी सेम फेस, सब मिला दिया ये पूरी वेव फ्रंट बन गई। बना वेव फ्रंट नहीं बना? बिल्कुल बना। ठीक, तो वेव फ्रंट समझना जरूरी है, वरना पूरी वेव फ्रंट की कहानी बढ़ेगी और समझ में नहीं आएगा वेव फ्रंट है क्या। सरल भाषा में वेव का फ्रंट, वैसे द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच आर इन सेम फेस, तभी तो एक जैसा फ्रंट बनाएंगे। एक आगे एक पीछे तो कैसा फ्रंट बनेगा, फिर बन ही नहीं पाएगा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें वेव फ्रंट कैसा बनता है। तो रिफ्लेक्शन है जैसे मिरर से, प्रिज्म से, या रिफ्रैक्शन की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस वगैरह से। तो देखिए ये अगर हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इसमें जो वेव फ्रंट हमारा जा रहा है वो प्लेन वेव फ्रंट है, इस तरीके से जा रहा है इस तरह। ये वेव फ्रंट अगर है हमारा तो रे कैसे चलेगी? रे सीधे चलेगी, हम जानते हैं इसको, रे के परपेंडिकुलर होता है ये प्रोपगेशन के। ठीक है, ये इस तरीके से वेव फ्रंट आगे पढ़ता गया। अब पढ़ने के बाद आप ही जानते हैं कि रे जब पढ़ती है तो आके फोकस पे मिलती है। अगर मिलती है तो इसका वेव फ्रंट बनेगा कैसे, अब इस बात को समझिए थोड़ा सा। एक बार समझेंगे, बाकी सब में डायरेक्ट बना देंगे। यहां पर रे आई, ये जो रे यहां पे आ रही होंगी, ये रे ये भी यहां जाएगी, पास वाली भी यहां जाएगी। पास वाली देर में टकराएगी, शुरू वाली जल्दी टकराएगी, ये डिस्टेंस एक गड्ढा सा है ना। अगर ये टकराई और ये शुरू हो गई, इसको ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, इससे ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर जब टकरा गई तो यहां पर एक पॉइंट आया, समझ लीजिए ये एक फेज बनाया इसने। ठीक, हम क्या करने जा रहे हैं, सेम फेज का लोकस लेने जा रहे हैं। सेम फेज में जो पॉइंट होंगे उनको मिला देंगे, वही वेवफ्रंट बन जाएगा। तो यहां पर इसको इतना, इसको भी सेम टाइम पे पहुंचना है, इसको भी सेम टाइम पे पहुंचना है, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड तो सेम होगी सबकी। ये पहले टकरा गई है इसलिए पहले पहुंची है, ये तो एयर में सबकी स्पीड बराबर। तो ये टकराई पहले, तो मान लीजिए एक नैनो सेकेंड में ये यहां से पहुंची कहां, यहां। इसके बाजू वाली जो रे होगी उसमें कहां पहुंची, वो थोड़ी देर में टकराई तो कहां पहुंची, इससे थोड़ा सा पीछे। इसके बाजू वाली और थोड़ा पीछे, इसके बाजू वाली और थोड़ा पीछे, फिर इधर वाली, फिर ऐसे बाहर की तरफ। इसको मिलाने गए तो ये कैसा बना, इस टाइप का हिस्सा बन गया लोकस। और ये क्या है, ये वेव फ्रंट है। ये समझ रहे किस तरह का वेव फ्रंट बना, ऐसे ही वेव फ्रंट आगे वाला, ऐसे ही वेव फ्रंट आगे वाला, ऐसे ही फ्रंट आगे वाला, ऐसे ही आगे वाला। क्यों बना समझ पाए? ये हमेशा इस रे के 90-90 है, सब 90। ठीक, इस वाले शेप जो होता है वेवफ्रंट का बदल गया, अब ये कॉनकेवियल नेचर का हो गया। यहां जो वेवफ्रंट हो गया टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, वो हो गया किस नेचर का, वेवफ्रंट चेंज्ड
its shape. Now it is concave. पहले क्या था? प्लेन वेव फ्रंट था, ये था प्लेन. बात समझ में आ रही? कैसे बनाएंगे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सब में नहीं बनाएंगे. अब समझ में आया ना कैसे कॉनकेव सीधा सीधा नहीं रहा? क्योंकि यहां पहले टकरा गया, पहले टकरा गया तो पहले मुड़ गया, और बाद वाला बाद में टकराया तो सीधे ही जा रहा था. तो ये गैप कम, ये गैप ज्यादा, तभी तो सेम फेस पकड़ पाएंगे आप. तो सेम फेस का लोकस आपने मिला दिया तो क्या बन गया? और दूसरी शर्त ये भी थी कि 90-90 बनना चाहिए, तो 90-90 भी बनाते हुए खींची लाइन और ये बन गई आपकी. ठीक, अब बात करते हैं प्रिज्म में. तो प्रिज्म में हम जानते हैं एक रे जाती है ऐसे, एक रे जाती है ऐसे, एक रे निकलती है ऐसे, ऐसे बनता है. ठीक, अब हमको बताना है वेव फ्रंट जो कि प्लेन आ रहा था, तो प्लेन इसके परपेंडिकुलर चलेगा. ठीक, यहां पर इसके परपेंडिकुलर, यहां पर इसके परपेंडिकुलर, ये वेव फ्रंट बन गया. इसमें शेप चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन बदली हुई. आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ये वेव फ्रंट है. वेव फ्रंट क्या होता है आप समझ रहे हैं? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेस. कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं हम लोग. ये लेंस ले लिया हमने, ये रे जा रही है और ये वेव फ्रंट है. ये वेव फ्रंट्स है. ठीक है, अब इस पे पढ़ी और हम जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस है तो ये रेस कहां कन्वर्ज हो जाएंगी? फोकल लेंथ पे. आप जरा हमें दुर्गेश जरा बताओ तो वेव फ्रंट कैसा बनाए, दिमाग लगाओ. यहां पर लेंस बीच में मोटा होता है कॉन्वेक्स और शुरू में पतला होता है, उधर किनारे पतला होता है. जी, तो ये देखिए इसके अंदर जब जाएंगी रिफ्रैक्शन है ना, तो इसको ज्यादा पोर्शन तक ट्रेवल किए तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसके अंदर कम हो जाएगी. इसीलिए देखिए इतनी दूरी तक ही चलना पड़ा, इसको लॉन्ग डिस्टेंस चलना पड़ा क्योंकि बहुत कम दूरी तक था. एकदम जो किनारे होगी उसको लगभग नहीं, लगभग बहुत कम अंदर रही वो, है ना. सेम फेस पकड़ेंगे तो मान लीजिए इसका फेस पकड़ा यहाँ, ये उससे ज्यादा तेज चल रही तो यहाँ, उससे ज्यादा तेज चल रही तो यहाँ, उससे ज्यादा तेज चल रही यहाँ, ये बना. ये इससे एग्री कर रहे कि नहीं कर रहे? क्योंकि ये सारी रेस को मिलना एक ही जगह एक ही समय पर मिलना है, तो इसको चलना है 1 मीटर, इसको चलना है 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए. और साथ में ये सारे इससे कैसे होने चाहिए? 90-90 ऐसे बनाना है आपको. तो ये आपको इस तरीके का यहां पर मिलेगा वेव फ्रंट, और इसको आप बोल सकते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट. कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स. तो देखिए प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था और कैसा बन गया? ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बन गया. बात समझ में आती है ना कैसे बन रहा है ये? अब कॉनकेव लेंस ले लें अगर हम लोग. हाँ निधि बताओ कैसा वेव फ्रंट बनाए, अपनी समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करते हुए. हाँ निमेश, कि पीछे हम लोग बढ़ा दें तो हम लोग जानते हैं कि सब एक पॉइंट से निकलते हुए दिखते हैं, है ना. तो यहाँ पर बाद में चौड़ा है तो बाद वाले चौड़े की स्पीड कम, जो पास में वो दूर में, तो पास वाला दूर में,
और उसके किनारे वाला थोड़ा पास, ये वेव फ्रंट बना इसका, और इस वेव फ्रंट को बोल देंगे आप डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, अब एक छोटा सा हाइजेंस प्रिंसिपल है वो भी हम लोग देख लेते हैं जिससे कि ये कुछ हद तक काम कंप्लीट हो जाए। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये देखा है कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर की बात की जा रही है, वेव नेचर क्यों बात कही गई ये भी बात डिस्कस कर ली थी, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिनको हम लोग रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे समझा नहीं सकते, आज तक नहीं सकते हैं समझा, लेकिन उसको वेव ऑप्टिक्स से समझा सकते हैं, और कुछ ऐसी इवेंट होती हैं जो रे ऑप्टिक्स से ही समझाई जा सकती हैं, वेव ऑप्टिक्स को नहीं मानती हो, अभी देखेंगे ऐसा। तो दोनों ही ड्यूअल नेचर हुआ, रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स में आए हाइजेंस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की, उसके लिए उन्होंने वेव नेचर की बात की, वेव नेचर में वेव फ्रंट क्या होता है ये आज सीखा हम लोगों ने, और वेव के कुछ पुराने रिलेशनशिप्स वो हमको पता है पहले से, वेवलेंथ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वगैरह वगैरह, है ना। वेव फ्रंट्स क्या था ये कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से एक बार सिंपल भाषा में वेव का फ्रंट, और टेक्निकल भाषा में, फिजिक्स की भाषा में, द लोकस, लोकस मतलब पाथ, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेस ऑफ द वेव। और दूसरी बात, हमेशा वेव फ्रंट रे की डायरेक्शन या प्रोपोगेशन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दो शर्तों को फॉलो करा के वेव फ्रंट बना लेते हैं, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल में तीन चीजें उन्होंने बताई, और तीन चीजें क्या बताई ये बताई, देखिए उन्होंने क्या चीज समझाने की कोशिश की, उन्होंने ये चीज बताने की कोशिश की हाइजेंस साहब ने कि हमारा जो रोशनी है, हमारी जो लाइट है, वो पानी की तरह फ्लो होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एक कमरा है और उस कमरे में अगर लाइट डाली जाती है, अगर रे होती, यहां पर आप बैठे हैं स्टडीज कर रहे हैं अपनी, और यहां पर कमरा है, लाइट डाली गई यहां से, तो लाइट डाली गई तो जैसे विंडो है, अब उस कोने में बैठे हैं, आपने इस विंडो को हटा दिया, वहाँ बैठ के पढ़ लेंगे आप, रोशनी मिलेगी आपको, है ना। नहीं पढ़ लेंगे तो इतना तो दिख ही जाएगा कि कहाँ किताब रखी नहीं रखी, सब दिखने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि लाइट अगर रे फॉर्म में चलती है तो ये लाइट यहाँ कैसे पहुँच गई। तो कुछ लोगों का एक्सप्लेनेशन ये रहा कि रिफ्लेक्शन से पहुंची होगी, इसे टकरा टकरा के पहुंची होगी, है ना, टकरा टकरा के पहुंची होगी। इस थ्योरी की जगह उन्होंने कुछ और बातें बताई, उन्होंने ये कहा जिन साहब ने कि ये जो आप बता रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर यहां पर एक छेद और कर दें हम लोग और एक कमरा और ले लें तो यहां भी रोशनी मिल जाएगी आपको, ये रोशनी यहां भी पहुंच जाएगी, एक छेद यहां कर दें कमरा ले लें तो रोशनी कम भले हो लेकिन जाएगी वहां, वहां भी पहुंचेगी। तो ऐसा रिफ्लेक्शन करते करते, ऐसा रिफ्लेक्शन करते करते चीजें वहां नहीं पहुंच सकती, या पूरी तरीके से सही बात नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो लाइट आती है वो एकदम पानी की तरह आती है, जैसे यहां पर पानी छोड़ दीजिए बहुत सारा, तो पानी जब अंदर घुसेगा तो चारों तरफ फैल जाता है, यहां पॉइंट मिलेगा यहां भी फैल जाएगा, यहां पॉइंट मिलेगा यहां भी फैल जाएगा, वो घुसता चला जाएगा अंदर जहां तक उसको रीच होगी, कम ज्यादा जो भी है पानी, तो पानी की तरह चलता है, पानी में वेव बनती है, हम पहचानते थे शुरू से। तो ये जो लाइट है ये वेव के फॉर्म में चलती है, और कैसे चलती है, इस तरह से चलती है वेव फ्रंट में। यहां पे लाइट डाली आपने प्राइमरी सोर्स की, अभी आप देखेंगे तो यहां फिर से वेव फ्रंट बन गए,
और इसके बाद यहां पड़ा, ये वेव फ्रंट बन गए, तो लाइट क्या हुई चारों तरफ ऐसी फैल गई। ये जब लाइट जाती है तो हर तरफ फैल जाती है, उसमें ये नहीं कि एक ही जगह रोशनी देती। ये जो चीज हम बता रहे हैं यही हैजन साहब ने प्रिंसिपली तीन चीजें बताई, और वो तीन चीजें क्या बताई वो समझते हैं हम लोग। ये हैजन्स प्रिंसिपल किसके लिए, प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट के लिए है, कि वेव फ्रंट कैसे मूव करेंगे। इन्होंने देखिए क्या बताया, एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मतलब अगर एक पॉइंट सोर्स है और इससे वेव फ्रंट कैसा बना, इससे वेव फ्रंट ऐसा बना, तो इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, सेकेंडरी सोर्स। ये प्राइमरी सोर्स है और ये क्या बन गया, सेकेंडरी सोर्स। हर पॉइंट हम कुछ दिखा रहे हैं, कुछ नहीं हर पॉइंट की बात हो रही है यहां, कुछ ही बना सकते हैं हम लोग। ये वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो क्या बन जाएंगे, फिर से एक सोर्स। जैसे यहां पर गया था तो यहां का जो पॉइंट बना वो फिर से सेकेंडरी सोर्स बन गए। वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स। फिर देखिए अब क्या कह रहा है, द वेव जनरेटेड बाय दीज सेकेंडरी सोर्सेज, ये जो सेकेंडरी सोर्स हैं, ये जो सेकेंडरी सोर्स हैं, हैव सेम लाइट इन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। यहां पर ये दे मेक देयर ओन वेवलेट्स, वेवलेट्स का मतलब ये फिर से गोले ऐसे बना लेंगे अपने वेव फ्रंट्स, हर वाला ऐसे ऐसे बनाएगा। तो ये बने वेवलेट्स, और वेवलेट्स के ऊपर तीसरा जो पॉइंट लिखेंगे उसमें आप क्या देखेंगी, इस वेवलेट्स का कॉमन सेम फेज वाला पॉइंट लिख के एनवेलप आप खींच देंगे तो ये क्या तैयार हो जाएगा, एक नया वेव फ्रंट। इस तरह से ही आगे बढ़ती रहेंगी। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बताया गया, ये जो वेवलेट्स बन रहे हैं इनका वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी सब कुछ सेम है। इससे तीसरा वाला पॉइंट देखिए, ए कॉमन टेंजेंट एनवेलप ओवरऑल gives the secondary wave fronts। यही जो चीज हमने बताई कि यहां पर पहले ये सेकेंडरी, पहला वाले में क्या था, सेकेंडरी सोर्स बन गए ये, ध्यान से देखिए, और सेकेंडरी सोर्स में इनके पास सेम तरह की वेवलेंथ, सेम तरह की फ्रीक्वेंसी, सेम तरह की वेलोसिटी। फिर इन्होंने अपने वेवलेट्स बनाए, ये वेवलेट्स, ये कुछ बनाए, सबने बनाए, और इनका एक कॉमन एनवेलप ऐसे ऐसे खींचा, और ये सेकेंडरी, इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। इसी तरीके से फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर ये सोर्स, फिर वेवलेट्स, फिर प्रोसेस, और ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा। तो हैजन्स का ये प्रिंसिपल है कि इस चीज़ का, कि वेव फ्रंट बढ़ती कैसे, यही फंडा यहाँ लगा दीजिए कमरे में कि यहाँ पर वेव फ्रंट आए, सेकेंडरी बना, फिर ये बढ़ गया, फिर यहाँ बना, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते चारों तरफ फैल गया। हैजन्स का प्रिंसिपल समझ में आया, तीन क्या है। तो इन्होंने किसके लिए बताया, ये वेव फ्रंट कैसे चलेंगे इसके लिए बताया, ये कि इन्होंने प्रिंसिपल रख दिया। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं।